अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तबारक अहमद ठाकर HCP से, और आज हम मौजूद हैं बालाकोट में इलामा इकबाल लाइब्रेरी और बज़्मे प्याम अदब की तरफ से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश का मकसद ये है कि जलजला 2005 की उलनाकियों के बाद जहां इस इलाके को तरक्की से रोका गया, वहाँ पर यहाँ की आवाम तरह तरह की उलझनों का शिकार भी रही, ज़िंदगी की रूठी हुई इन रौनकों को दोबारा बहाल करने के लिए यहाँ अपनी मदद आपके तहत काविशें होती रहीं। इलामा इकबाल लाइब्रेरी की यह नुमाइश और साबका सरगर्मियाँ जो है अदबी, वो इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि बालाकोट में लोगों की तवज्जो को मबजूल कराया जाए। जी अख्तर जुमान साहब, आप ये कुछ सामने फनपारे पड़े हुए हैं, इनके बारे में कुछ बताइएगा हमें। जैसा कि आपको ये फनपारे नज़र आ रहे हैं, इन फनपारों में यहाँ की सकाफत, जलजले से पहले जो मकानात थे, तामीर थे, उनका एक दिया गया व्यू। उसके अलावा जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं आर्किटेक्टिंग, ये बच्चों के लिए स्पेशली जो स्कूलों के बच्चे यहाँ पे विज़िट करने आएंगे, उनमें ये एक शौक और जज्बा पैदा होगा। लो कास्ट पे तैयार होने वाले ये सबसे सस्ते हैं, जो आमतौर पर घर में रफ गत्ते कागज़ वगैरह होते हैं, उनको समत बांड के ज़रिए से आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें आप डाल सकते हैं उनको। इस चार्ट को यहाँ पर लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये जो जड़ी बूटियाँ लगाई गई हैं इंतहाई कीमती हैं। ये जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल जो है बहुत कम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पर रिसर्च नहीं हो रही है, तहकीक नहीं हो रही है और इस पर काम नहीं हो रहा है, वरना ये हमारे इलाके की बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हम एज ए फर्स्ट एड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेंटर जुनैद अली, और यहाँ पर चूंकि इनके अपने हाथ से बनी हुई कुछ पेंटिंग्स भी मौजूद हैं, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इन पेंटिंग का क्या मकसद है और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन पेंटिंग के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी हुई है कि जो पेंटिंग्स या जो ये सेमिनार हो रहा है हमारे ये इलामा इकबाल लाइब्रेरी के तहत, हमें एक मौका मिला है कुछ बोलने का, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हमारी रसाई नहीं है उन चीज़ों तक, ठीक है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल नहीं है इस चीज़ का। मेरा जो अपना माइंड बना हुआ है, जो दिली ख्वाहिश है कि अपने कल्चर को हाईलाइट करने का, ठीक, उसके लिए मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं कि मैं उनको आगे ले कर जाऊँ। इनको दिखाने का मकसद ये है कि मेरी कुछ पेंटिंग्स जो बाहर सेल हो चुकी हैं, ये मेरे पास 3-4 पीसेस पड़े हुए थे, ठीक है। इनमें सबसे बुनियादी चीज़ ये एक विजन दिया हुआ है कि ज़िंदगी के साथ लड़ना, ठीक है, डूबते को जैसे एक मिसाल देते हैं तिनके का सहारा। नौजवानों को ख़ास तौर पर मेरा ये पैगाम है कि वो इस बालाकोट के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आए, हमारे साथ चले। जी व्यूअर्स, आज आपने यहाँ देखा कि 2005 के जो जलजला हुआ था उसने लोगों के घर तो गिरा दिए, लेकिन लोगों के अंदर जज्बा अब भी मौजूद है और एक भरपूर ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं। बदकिस्मती ये है व्यूअर्स के यहाँ पर ऐसे टैलेंटेड लोगों की हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती नहीं हो रही, और ये जो इस नुमाइश का अहतमाम किया गया था, ये चंद दोस्तों ने मिल के अपनी मदद आपके तहत इस छोटी सी नुमाइश का अहतमाम किया था, जो अप्रिशिएटेबल है, और यकीनन ऐसे लोगों की सरपरस्ती होनी चाहिए ताकि ये मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू।